उधम सिंह नगर के तराई वन प्रभाग के तुमडिया डैम और भोगपुर डैम जलाशय क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी आजकल यह परिंदे तुमडिया डैम की रौनक बने हुए हैं। यूरेशिया देशों में पड़ रही कड़ाकों की ठंड की वजह से काफी तादाद में यह मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह हजारों विदेशी परिंदों के झुंड साइबेरिया, मध्य चीन एवं मंगोलिया देशों से यहाँ पहुंच रहे हैं। साइबेरिया, मध्य चीन, मंगोलिया से आने वाले यह परिंदे 5 से 6 हजार किलोमीटर तक का सफर दिन रात उड़कर तय करते हैं और अनेक परेशानियों से जूझते हुए तराई इलाकों में पहुंचते हैं। वही अगर लोगों की माने तो इन विदेशी परिंदों को देखने दूर दूर से यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं। वही वन विभाग की माने तो इस बार विदेशी परिंदों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस मौसम में इनके आने से क्षेत्र में काफी रौनक मच गई है और पर्यटन भी बढ़ रहा है। वही कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ शिकार ना करे इसके लिए गश्त भी बढ़ा दी गई है और इन पक्षियों की निगरानी की जा रही है। यहाँ जो पक्षी आते हैं ये हर साल की तरह इस साल भी आए हुए हैं पक्षी, और पर्यटन की बात करें तो अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो यहाँ बहुत कुछ पैदा हो सकता है, बहुत रोजगार लोगों को मिल सकता है, पर सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। अगर सरकार टूरिस्ट पे ध्यान देती है तो ये एरिया डेवलप हो सकता है। बेनिफिट तो सारा बेनिफिट ये आसपास के लोगों को कारोबार मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बहुत सारा राजस्व सरकार को भी जाएगा। परिंदों की वजह से बहुत सारा पर्यटक आता है, आते ही रहते हैं, बाहर से विदेशी भी आते हैं और यहाँ के लोकल के भी और प्रदेश के बाहर के भी लोग आते हैं। ठंड के दिन आ गए हैं तो ठंड के दिनों में साइबेरियन बर्ड यहाँ पर आती हैं माइग्रेट होकर के, और इस समय आने शुरू हो गई हैं, काफ़ी जो है आ रही हैं, जैसे अमूर पेलिकन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, रूडी स्टॉक है, इस तरह से बहुत सारी जो है प्रजातियाँ आ रही हैं। और इनकी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा गश्त निरंतर बढ़ाई जा रही है और स्टाफ को इस संबंध में निर्देश किया गया है कि कोई भी किसी तरह से इनको जो है दर्शन ना हो, और जो पर्यटक आ रहे हैं दूर दूर से जो है बर्ड वॉचिंग के लिए, तो उनको भी इनके प्रति हम जागरूक कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 महीने यहाँ पर प्रवासरत रहते हैं यहाँ पर, और विभिन्न जो क्षेत्रों से आती हैं साइबेरियन बर्ड्स वहाँ हमारे पर्यटक भी इस दौरान यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है, और विभिन्न दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि जो है साइबेरियन बर्ड्स आ रही हैं और उनकी संख्या में निरंतर प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हम विशेष अभियान चला रहे हैं, जैसे कि जो सुबह शाम गश्त और जो बाहर से आने वाले लोगों की आइडेंटिटी चेक करना ताकि इनको किस तरह से व्यवधान उत्पन्न न हो। जसपुर से दैनिक भास्कर संवाददाता प्रदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट।